प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस समय प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद कुंडली देखने के क्या काम है। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, जिस रकम में भी दिया हुआ है। अगर कोई मित्र हमारे वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमारे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु ग्रह कुंडली के किन किन राशि और भावों में भाग्यशाली और राजयोग बनाता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको सुनिए और इसका आनंद लीजिए। जिसकी कुंडली धनु लग्न की है और उसमें गुरु बैठा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि धनु लग्न में गुरु पुरुषोत्तम मर्यादा राम के भी बैठा हुआ है। ऐसे कुंडली वाले बचपन से भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग जीवन में राजा के समान को पाते हैं, अपने नाम को चारी तरफ रोशन करते हैं, अपने पिता खानदान का नाम रोशन करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में कर्क राशि हो उसमें गुरु बैठा हुआ, क्या बात है दोस्तों। ऐसे लोग आज के समय में राजा, मंत्री, संसद, विधायक कहलाते हैं, संसद विधायक मंत्री बनते हैं या उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसकी कुंडली में दोस्त पांचवें भाव में सिंह राशि उसमें गुरु बैठा, क्या कमाल की बात है। ऐसे लोग पूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने विद्या अपने शिक्षा के द्वारा देश विदेश में नाम फैलाते हैं। ऐसे लोग कलाकार भी होते हैं, संगीतकार भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मीन राशि उसमें गुरु बैठा हुआ है, ये भाग्यवान होते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, समाज देश में पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन भी संतुष्ट होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसे लोग उद्योगपति भी बनते हैं, ऐसे लोग व्यापारी भी बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं, ऐसे ही लोग राजनीति में सफलता पाते हैं। लग्न से बारहवें भाव में जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में मीन राशि हो, क्या बात है। तो इनके चौथेपन राजा के समान व्यतीत होते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं, ये अपने अपने समाज में पहचाने जाते हैं, अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। इनके बाद जो कुछ भी धन दौलत आता है स्वयं का बनाया। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर किसी मित्रगण को मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, उस पर संपर्क करें, मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।